नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VSF डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों आज जो विषय है वो बड़ा छोटा सा है और बड़ा महत्वपूर्ण है। छोटी सी वीडियो रहेगी कि सीमेन कंटेनर के अंदर कैसे रखे जाएं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा छोटा सा एक कंटेनर है। सीमेन कंटेनर में रखने के बाद उनकी एक उनको भी एक टैग दे देना चाहिए, जैसे हमने ये सब टैग दिए हुए हैं। जैसे ये आ गया 140, 128, 40, 432, इसी तरीके से इधर एक आ गया है 50062। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। अमूमन लोग क्या करते हैं, कंटेनर को खोल के इस तरीके से उसको खोल के और उसके बाद जो इसके अंदर कैनिस्टर है उसको निकाल के और सीमेन पकड़ के चेक करते हैं कौन सा है। तो उससे क्या है, सीमेन की क्वालिटी डाउन होने के चांसेस होते हैं और चांसेस क्या डाउन हो जाती है। बहुत से लोग सही से प्रैक्टिस नहीं करते और वो सीमेन स्ट्रो की वोटिलिटी भी उसमें कुछ डाउन हो जाती है इस पूरी प्रैक्टिस से। तो कोशिश करें जब भी सीमेन आप डाल दें तो सीमेन के साथ में इस तरह की एक स्लिप भी आती है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका आपको बार बार कंटेनर खोल के कैनिस्टर बाहर निकाल के सीमेन बाहर निकाल के चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बाहर से ही जो भी आपको लगाना है वो इस तरीके से देखा और आपने लगा लिया। तो एक छोटी सी वीडियो इस जानकारी के लिए मैंने आपको दी। देखिए हमने ये सारी लगाई हुई है इसी तरीके से, छोटी सी वीडियो है और इसको कवर करके रखें हल्का सा और ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रखें। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती पर थोड़ी सी सावधानियां बरतने से कंटेनर की लाइफ भी बढ़ जाती है। और टाइम टू टाइम इसमें स्केल डाल के देखते रहें कितनी इसके अंदर गैस है और उसी हिसाब से उसको फिल करते रहें। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था इस छोटी सी जानकारी के लिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ और आगे छोटी छोटी जानकारियाँ मैं आपको वीडियोस के माध्यम से देता रहूँगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शेयर उन लोगों को ज़रूर करें जो जो सीमेन का काम करते हैं या फिर जो AIT आप लोगों के आसपास हैं आपके पास आते हैं, उन सब लोगों को ज़रूर ये शेयर करें वीडियो और उनको बताएं कि ये इस तरीके से टैगिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।